18.news। अभी अभी बिहार की राजनीति में आई एक बड़ी भूचाल। सीतामढ़ी प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार ने नीतीश जी का सिंबल किया वापस। फिर आनन फानन में नीतीश जी ने फैसला लेते हुए भाजपा के कदवार नेता जो 4 बार विधायक रहे एवं पूर्व पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू को भाजपा से जनता दल में शामिल कर सदस्यता ग्रहण कराते हुए सीतामढ़ी लोकसभा का नया प्रत्याशी बनाया, जिसकी घोषणा मंत्री ललन सिंह एवं पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करके की। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज में। जेडीयू के सिंबल लेकिन लेकिन चुनाव में जेडीयू से प्रत्याशी बनने के लिए आपने भी एनडीए के गठबंधन से चुनाव लड़े हैं। सर, सिंबल तो जेडीयू का ना है, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेके आप लोग बीजेपी में सेंध, आप लोग बीजेपी में सेंध लगा रहे हैं क्या सर? आप लोग बीजेपी में सेंध लगा रहे हैं? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जनता जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों में उल्टा है, एकता है। मैं आपको बता दिया कि उल्टा एकता है, तो कहाँ खोज रहे हैं आप? कुछ नहीं मिलेगा, संकट जमीन है। लेकिन बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि हमें पिंटू जी को छोड़ने के बारे में जानकारी नहीं है कि वो हमारी पार्टी छोड़े हैं। एक सीट आगे पीछे कर लेते, इसका सलाह तो आप पहले तो देते पार्टी को, अभी आप कह रहे हैं। वो तो 17-17 का बंटवारा है। बाकी ऐसे उम्मीदवार नहीं है ना जो जिनका फिर मन नहीं कर रहा फिर से वापस लौटा दे, फिर ऐसी स्थिति नहीं? ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जेडीयू से पिछली बार भी 2014 में भी लोगों ने सीट बदला था, उम्मीदवार बदला गया था, उम्मीदवार वापस हो गया था, तो फिर चुनाव में भाग गया ना, तो उसमें बहुत खेलता है, उसको छोड़ ही नहीं। तो लोग चिंतित है। आप अपने सीट के बारे में बताइए ललन जी, कि मुंगेर सीट क्या किससे आपका टक्कर है, क्या लगता है आपको? टक्कर फक्कर की बात हम नहीं करते हैं, हम जब चुनाव लड़ते हैं तो गंभीर होकर चुनाव लड़ते हैं, और जनता की सेवा हमने की है वहाँ 15 वर्षों तक, और उसके बल पर हम जनता का वोट मांगते हैं, समर्थन मांगते हैं, और लोकतंत्र में जनता जिसको समर्थन देती है, जनता जिसको विश्वास। आनंद सिंह ने सवाल उठाया था और नाराज भी हो गए थे। व्यक्ति के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करते, यह आपका काम है, आप व्यक्तियों को जितना मन करे देते रहिए, हम जनता का सेवा के बल पर वोट मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आजा मनीष, जब दूसरा कल ज्वाइन हुआ आराम से, आराम से बोल दीजिए, बोल सकते हैं। डॉक्टर वरुण से भी आपकी बातचीत होगी? हाँ जरूर होगी, कैसे नहीं होगी? सुलसा मरी का डॉक्टर है तो बात कितने हुई? समझिए कि आखिर किन कारणों से साथ में चुनाव लड़ने से मना किया? बिना उनसे जाने और उनके बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए नहीं। नहीं, एक बस सवाल ये है कि जिस तरह से डॉक्टर वरुण को टिकट मिला था, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है। अब उनका जैसा हमारे मन में उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो निर्णय लिया उसके तहत मुझे उम्मीदवार घोषित। आपने कहा कि हमें फोन आया और हम पार्टी का पट्टा लगा के चले आए। अरे क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन आया था कि यहाँ पहुंचे, हम पहुंचे हैं बिल्कुल सीधे तौर पर। कैसे जब उम्मीदवार जब उन पर चयन किया गया उस समय तो वो थे और उन्होंने कहा भी था कि लड़ गया, कल किस परिस्थिति में क्या उन्होंने क्यों लिख के दे दिया ये कोई बता सकते हैं? ऐसा नहीं, सुनने ऐसा आरोप लगा था कि पैसे लेकर
हो गया चलो।